हे सो गाइस वेलकम बैक अगेन विद न्यू वीडियो। एंड गाइस इस वीडियो बताऊँ कैसे इस तरह की कलर कैसे लेकर आ सकते हैं फोटो में। सो गाइस जो आपको फोटो की स्क्रीन में इसमें जो बैकग्राउंड कलर है काफ़ी अमेजिंग है। और गाइस इस तरह की कलर आप भी सिंपली एक क्लिक में लेकर आ सकते हो। पहले फोटो ऐसी दिखाई सकती है एंड लाइट में एडिट करने के बाद ये फोटो चुकी है ऐसी। एंड यहाँ पे इस फोटो देख लीजिए, ये फोटो पहले कैसी थी गाइस, फोटो पहले ऐसी थी एंड लाइट में एडिट करने के बाद ये फोटो बन चुकी है ऐसी। तो गाइस इस तरह की कलर टोन अगर आप भी अपनी फोटो में लेकर आना चाहते हो गाइस, आपको क्या करना है, सिंपली इस वीडियो पूरा लास्ट तक देखना होगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा कि इस तरह की फोटो आप कैसे एडिट कर सकते हो सिंपली एक क्लिक के अंदर। सो गाइस वीडियो पर लाइक कर लीजिए और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। एंड गाइस अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो। सो या गाइस विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गो फॉर इट। और लेट्स गो गाइस यहाँ पे मैंने लाइटरूम की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। ऐसे अगर आपके फोन में लाइटरूम की एप्लीकेशन है तो प्ले स्टोर से लाइटरूम की एप्लीकेशन को डाउन कर लीजिए सबसे पहले। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको अपनी खुद की फोटो इंपोर्ट करनी है जिससे आप एडिट करना चाहते हो गाइस। यहाँ पे मैंने कुछ फोटो ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखी है वाले गाइस, ठीक है, और इन फोटो को मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा गाइस। ठीक है, तो ये देख लीजिए फोटो मैंने कई सारे इंपोर्ट कर रखी हैं, तो इन फोटो में आपको मैं उस कलर टोन को लेकर दिखाऊँ कैसे आप लेकर आ सकते हो उस कलर टोन को। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे एक प्री सेट इंपोर्ट करना है। ठीक है, इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है गाइस आपको। एंड यहाँ से मैं एक प्री सेट सेलेक्ट कर लूँगा गैलरी से। तो गाइस ये रहा लाइट रूम का प्री सेट, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया यानी ऐड कर लिया और ये प्री सेट आ चुका ऑल फोटोज़ के अंदर गाइस। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो प्री सेट ये रहा नहीं टेक्निकल लाइट रूम प्री सेट गाइस। ठीक है, और इस प्री सेट को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर मैंने इस प्री सेट का लिंक देगा, वहाँ से आप आसानी से इस प्री सेट को डाउनलोड कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो उसके बाद सिंपली इस थ्री डॉट क्लिक कर लीजिए ऊपर एंड यहाँ पे कॉपी सेटिंग ऑप्शन में क्लिक करिए, कॉपी सेटिंग पे टिक पे करना है क्लिक एंड बैक पे जाना गाइस। ठीक है, और उसके बाद आपको सिंपली अपनी फोटो लेनी से आप एडिट करना चाहते हो, तो यहाँ से मैंने इस फोटो ले लिया एंड थ्री डॉट क्लिक करा गाइस एंड यहाँ पे पेस्ट सेटिंग। तो गाइस देख लीजिए कलर टोन काफ़ी अमेजिंग आ चुका है फोटो में। एंड अगर मैं इस फोटो को लेता हूँ गाइस, ठीक है, तो थ्री डॉट क्लिक करा गाइस मैंने एंड यहाँ पे पेस्ट सेटिंग। तो गाइस देख लीजिए बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो चुका है एंड जो मॉडल कपड़े वेयर कर रखे हैं वो एकदम पिंक हो चुका है। ठीक है, और इस फोटो में पेस्ट करूँ तो थ्री डॉट क्लिक करा मैंने पेस्ट सेटिंग। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक क्लिक में फोटो एडिट हो रही है गाइस। ठीक है, तो ये काफ़ी अमेजिंग ट्रिक है गाइस। तो ये देख लीजिए ब्लैक कलर हो चुका है एंड मॉडर्न कपड़े वेयर कर रखे हैं, इसमें भी रेड कलर आ चुका है ऑटोमेटिकली। तो इसमें करता हूँ पेस्ट पेस्ट सेटिंग। तो इस तरीके से आप काफ़ी अमेजिंग फोटो एडिट कर सकते हो इस प्री सेट को यूज़ करने के बाद गाइस। ठीक है, तो गाइस अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे जो कलर टोन है ना इसको चेंज करना, तो गाइस सिंपली आपको जाना है नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन था कलर का क्लिक करना है इस पर एंड मिक्स वाले ऑप्शन क्लिक करना है यहाँ पे एंड यहाँ पे जो फर्स्ट कलर एड कर देगा इस पर क्लिक करना है गाइस। ठीक है, एंड इसका जो ह्यू है इसको मैं अगर इंक्रीज करता हूँ गाइस, ठीक है, मैंने इंक्रीज़ किया तो यहाँ पे देख सकते हो कपड़ों का कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर आपके कपड़े यहाँ पर रेड है, ठीक है, आप रेड करना चाहते हो यहाँ रेड भी कर सकते हो। ठीक है, इसका चोच को बढ़ा दीजिए तो ये देख लीजिए कपड़े रेड हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप पिंक करना चाहते हो पिंक भी कर सकते हो, यानी पिंक की साइड लेना, ह्यू पिंक लेना। ठीक है, एंड सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस करना है। तो ये देख लीजिए कपड़े एकदम पिंक हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप इन जो मिक्स वाला टूल है इसको भी यूज़ कर सकते हो और अपनी फोटोग्राफी अमेजिंग बना सकते हो। एंड यहाँ से टेम्परेचर को भी कम ज़्यादा करके देख सकते हो फोटो और भी यहाँ पर जो बस बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। ठीक है, ये देख लीजिए ब्राइटनेस आ चुका है फोटो में। अगर आपकी फोटो में ब्राइटनेस नहीं है तो आप टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होता है लाइटिंग आ जाएगी फोटो में और फोटो और भी अमेजिंग दिखती है। ठीक है, तो इस तरीके से इन टूल्स को भी यूज़ कर लीजिए। और मैंने बता दी कि आपको प्रीसेट को डाउन करना है डिस्क्रिप्शन से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन देगा। ठीक है, प्रीसेट का और वहाँ से डाउन कर लीजिए। इस प्रीसेट को डेफिनेटली ट्राई करना अपनी फोटो में गाइस। ठीक है, आपकी फोटोग्राफी अमेजिंग बनने वाली इस प्रीसेट को यूज़ करने के बाद। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर तो लाइक करो शेयर करो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो एंड बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। एंड गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करो तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर अगर कुछ भी पूछना हो तो। सो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक स्टे ट्यून्ड विद निक टेक्निक।